नमस्कार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से दो बड़ी अपडेट आ रही हैं जिनको हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अगर हम फर्स्ट अपडेट की बात करें तो जहां पे आप देख सकते हैं जेके एस के द्वारा आज एक नोटिफिकेशन निकाल के फोर्थ फेस जो कि कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट हैं उनका शेड्यूल जहाँ पर आउट कर दिया है अगर हम जहाँ पे पोस्ट की बात करें जूनियर असिस्टेंट कैडरस क्लर्क कैशियर जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट क्लर्क स्टोर अटेंडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजर जिसको हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि कब से आपके सी बी टी एग्जामिनेशन जेके एस एस वी कंडक्ट करवाने जा रहा है कौन से अल्फाबेट से लेके कौन से अल्फ़ाबेट तक जो फाइनल फेज में जो कैंडिडेट हैं उनको इंक्लूड किया गया है नंबर टू अपडेट की बात करें तो जहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप बेरीस पोस्ट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडवर्टीज वाइड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर जीरो टू ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो कि छब्बीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को निकाला गया था सीकिंग प्रेफरेंस तो जहाँ पे हम देखेंगे कि आप प्रेफरेंस अपनी कैसे दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन जेके एस निकाला है उसे भी हम जहाँ पे कंप्लीट देखने देख सकते हैं हमारे सामने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है नोटिस फॉर टाइप टेस्ट स्किल टेस्ट फाइनल फेज जो कि कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट का आप फाइनल फेज ही समझे तो जहाँ पे आप सब्जेक्ट में क्लियरली देख सकते हैं कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्किल टेस्ट फेज फोर्थ ऑफ कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कैड्रेस क्लर्क कैशियर जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट क्लर्क स्टोर अटेंडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजर यूटी कैडर डिवीजन कैडर्स एंड वेरियस डिस्ट्रिक्स एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर जीरो फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी नोटिफिकेशन नंबर जीरो वन जीरो टू एंड जीरो थ्री ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिगार्डिंग तो स्टेप नंबर वन में इस बात की क्लरिफिकेशन दी गई है जेके एस सी सी द्वारा टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशन निकाले गए हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ फेज जो कि फाइनल फेज है कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट के लिए कंप्यूटर बेस्ड की बोर्ड हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट आप जहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट जो कि हम पोस्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो जहाँ पे आपका जो शेड्यूल रहने वाला है जो सी आपका एग्जामिनेशन जिस भी कंडक्ट करवाने जा रहा है शैल बी कंडक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2021, थाउजेंड ट्वेंटी वन एक दिसंबर दो हज़ार इक्कीस से आपके सी बी टी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं अब वेन्यू कहाँ पर रहने वाला है नाइलेट फॉर्मली डोक ओल्ड एयरपोर्ट रोड रंगरथ वडगाम एज पर द कैंडिडेट आइटम्स शेड्यूल्स एनेक्स्ड एट अनैक्शर ए में सारी डिटेल दी गई है जिसको हम जहाँ पे डिस्क्रिप्स करेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं दिस नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद डिटेल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कार्ड फॉर द टाइप टेस्ट स्किल टेस्ट फेज फोर्थ शोन इन एनेक्शर ए ऑल्सो अवेलेबल जो कि जेके एस पी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी मैं इस पी डी एफ का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड कर दूंगा आप मेरे टेलीग्राम टेल, चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी इसकी पी डी एफ को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर थ्री यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट हु हैव शेड्यूल्ड इन द सेट टेस्ट आर एडवाइज टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम जेके एस एस पी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप एडमिट कार्ड जो कि आज से डाउनलोड कर सकते हैं जेके एस उसका लिंक लाइव कर देगा इसके बाद स्टेप नंबर फोर में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी गई है कि किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर में बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी इसके साथ साथ आपने अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ आपने एक अपना जो कि आइडेंटिटी प्रूफ फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपने आईडी कार्ड अपना रखना है जिसमें आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड हो गया ड्राइविंग लाइसेंस हो गया पासपोर्ट पैन कार्ड राशन कार्ड स्टूडेंट आईडी कार्ड कोई भी ऐसा आईडी कार्ड जिसके ऊपर आपका फोटो आइडेंटिटी हो वो आप लेके जा सकते हैं स्टेप नंबर फाइव में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी गई है कि आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा जहाँ भी आपका वेन्यू होगा इसके बाद बोला गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जहाँ पर पढ़ सकते हैं स्टेप नंबर एट में इस बात की भी क्लियरफिकेशन दी गई है कि नो सप्लीमेंट्री टाइप टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैपन टू मिस द टाइप टेस्ट शेड्यूल्ड हेयर इन शैल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑन दी ग्राउंड वाट्सो एवर तो जहाँ पर जेके एस एस पी ने सिंपली इस बात की क्लैरिफिकेशन दी है कि किसी भी कैंडिडेट का सप्लीमेंट्री जो भी टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा चाहे उसके लिए कोई भी ग्राउंड हो आप अपने टाइम शेड्यूल पे नहीं पहुँचे हैं तो समझिए आपका फिर एग्जामिनेशन जेके एस एस पी नहीं कंडक्ट करवाएगा इसके बाद जहाँ पर बोला गया है ओनली दोज कैंडिडेट आपने इस बात को ध्यान में रखना है अचीव एंड एक्यूरेसी जो कि एक्यूरेसी अचीव करेंगे नाइन्टी परसेंट या नाइन्टी परसेंट से अबव वही स्टूडेंट जो होंगे वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे जहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी बताई गई है थर्टी फाइव वर्ड्स पर मिनट शल बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड फॉर द सेकंड स्टेज का जो भी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए आपको रिकमेंड किया जाएगा जहाँ पर बताया गया कि टी ए डी ए कुछ नहीं आपको मिलेगा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी आप जहाँ पे देख सकते हैं आपने रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ अपने पास रखने हैं जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिनके बेसिस पे आपने अप्लाई किया है सबको आपने अपने साथ लेके जाना है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आपने फोटोकॉपी भी करवाना है फोटोकॉपी करवाने के बाद आपने उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद एक फाइल में उनको भी नत्थी करके लेके जाना है तो जहां पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपने उस दिन लेके जाना है जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो भी कुछ आपका है जहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट अपने टाइम पे नहीं पहुँचेगा तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जेके एस ने पहले भी इस बात की क्लैरिफिकेशन देगी कोई भी सप्लीमेंट्री आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा इसके साथ साथ कोविड नाइन्टीन प्रोटोकॉल्स को अपने फॉलो करना है मास्क पहनना है जो भी सैनिटाइज़र आप लेके जा सकते हैं इसके बाद मोबाइल फ़ोन कोई अलो नहीं होगा प्रिमिसेज में आप लेके नहीं जा सकते हैं आज की डेट में जेके एस ने इसे भी कर सकते हैं अनेक्शन ए आप जहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट कार्ड इन फेस फोर्थ कंप्यूटर बेस्ड जो कि आपका सीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा पोस्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो जहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन नंबर जीरो फोर जीरो फाइव जीरो सिक्स जीरो सेवन तो आप जहाँ से चेकआउट कर सकते हैं नेम जो इंक्लूड किया गया है मुकेश जो कि पहली एंट्री है आपका पेरेंटेज रहने वाला है आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है इसी तरह से आपका आगे देखते हैं रिपोर्टिंग टाइम उसका टेस्ट का टाइम क्या रहने वाला है टेस्ट की डेट क्या रहने वाली है और आपका जो वेन्यू है वो क्या रहने वाला है जो कि नाइलेट डिओ जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ रंगरथ रोड बड़गाम में है तो जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो जहाँ पे आप देखेंगे सभी एम से जो एंट्री स्टार्ट होती हैं एम यू से जो भी एंट्री स्टार्ट होती हैं उन सबको जहाँ पे जगह मिली है इसी तरह से जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है आप अपना नाम इसमें सर्च कर सकते हैं मैं आपको जहाँ पे बता दूँ कि जहाँ पर जेके अगर हम सबसे लास्ट पेज पर आएँ तो जहाँ पर आप देख सकते हैं हम लास्ट पेज पर जहाँ पे आ चुके हैं तो एट लास्ट जो कि जेड से स्टार्ट होते हैं नाम है ना उन सब का भी जहाँ पे लास्ट आ गया है तो जहाँ पे आप देखते हैं लास्ट जो नाम है आप देख सकते हैं जेड वाई से स्टार्ट जो होता है जहाँ तक सबको कवर कर लिया तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा कैंडिडेट क्योंकि कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट नहीं बचा है जिसका सी एग्जामिनेशन का शेड्यूल अभी तक आउट नहीं हुआ है तो जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है अपना नाम ढूंढने में तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेलाइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक अपडेट की बात करें तो जहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस तो जहाँ पर सब्जेक्ट में क्लियरली मैंशन है फिलिंग अप वेरियस पोस्ट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडवर्टीड नोटिफिकेशन जीरो टू ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी जो कि ट्वेंटी सिक्स ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को निकाली गई थी सीकिंग प्रेफरेंस रिगार्डिंग तो जहां पर जेकेसएसपी ने पूरी क्लरिफिकेशन दी गई है तो जहां पे स्टेप नंबर टू में जेके एस एस पी कहना कि जेके एस एपी को बहुत सारी ऐसी रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट्स से मिली हैं जिनमें कैंडिडेट्स ने इस बात की रिक्वेस्ट की है कि जब कैंडिडेट अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने अपनी प्रेफरेंस सही से नहीं दी है तो उन्हें एक बार मौका दिया जाए लिंक को लाइव किया जाए तो इसी के रिगार्डिंग जहाँ पे जे के ने बताया है कि जे के अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक लाइव करने जा रहा है जहाँ पे कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं तो जहाँ पर आप देख सकते हैं आठ से वो लिंक लाइव हो जाएगा और थर्टियथ ऑफ नवंबर टू तक वो लाइव रहेगा सभी कैंडिडेट को जहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है एडवाइज़ किया गया है तो आप अगर अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो सिंपली आपको आपको लॉगिन करना होगा जो भी आपका अलॉटेड रोल नंबर है और इसके साथ साथ जो भी यूनिक पासवर्ड आपको मिला है आपके मोबाइल नंबर पे के बताएंगे कि अगर आपको प्रेफरेंस देने में कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे इसी तरह की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेलाइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें थैंक यू